हेलो दोस्तों, मैं हूँ SB। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, इसी हफ्ते मतलब कि 27 जून को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ है कल की 2898 AD मूवी, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन के साथ साथ और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे कल की 2898 AD मूवी को लगभग थिएटर्स में रिलीज हुए 3 डेज कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 3 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिस बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे कल की 2898 मूवी का जो टोटल बजट था वो लगभग 600 करोड़ के आसपास का था, जिसमें कि इस मूवी का प्रमोशन अमाउंट भी ऐड था और इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 5600 के आसपास के स्क्रीन रिलीज किया गया था, जिसमें कि इस मूवी को हमारे इंडिया में लगभग 3500 के आसपास के स्क्रीन प्लेस किया गया। जहाँ पे इस मूवी को लेके मार्केट में हमें शुरुआत से अच्छा खासा हाइप देखने को मिला था, जिसके ऊपर से जब इस मूवी का ट्रेलर और बाकी सारे प्रमोशन मटेरियल्स हमारे सामने आया तो ऑडियंस और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस मूवी को लेके। जिसके वजह से इस मूवी के रिलीज होने से पहले जब इस मूवी का एडवांस टिकट बुकिंग चालू हुआ तो वो भी हमें काफ़ी तगड़ा देखने को मिला था। जहाँ पे इंडिया के साथ साथ ओवरसीज में भी इस मूवी का अच्छा खासा एडवांस टिकट बुकिंग हमें देखने को मिला था, जिसके चलते इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से ही 92 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। इसी के साथ मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को ओवरसीज से भी लगभग 60 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया था, जिन सारे अमाउंट का जो एक तरीके का टोटल था, मतलब कि कल की 2898 AD मूवी के फर्स्ट डे का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन था वो लगभग 170 करोड़ के आसपास का चला गया था। जिसके बाद इस मूवी का रिव्यू भी अच्छा निकलने के वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिला है। जहाँ पे कल की 2898 AD मूवी अपने रिलीज होने के 2 डेज के अंदर अंदर वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन के मामले में 260 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर चुका था, जिसमें कि इस मूवी ने हमारे इंडिया से ही लगभग 146 करोड़ 50 लाख के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था, जिसमें कि इस मूवी का हिंदी लैंग्वेज का जो 2 डेज का कलेक्शन था वो लगभग 43 करोड़ के आसपास का था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी के डे 3 का जो हमारे इंडिया का नेट कलेक्शन निकल के आया है वो लगभग 65 करोड़ से लेकर 67 करोड़ के आसपास का है, जिसमें कि इस मूवी ने हिंदी लैंग्वेज में अपने डे 3 को लगभग 25 करोड़ से लेकर 27 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ मूवी ने ओवरसीज से भी अपने डे 3 को अच्छा खासा कलेक्शन किया है, जिन सारे अमाउंट का जो एक तरीके का टोटल है, मतलब कि कल की 2898 AD मूवी के डे 3 का जो टोटल वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो 100 करोड़ से लेकर 110 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 2 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो अब इस मूवी के 3 डेज का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 360 करोड़ से लेकर 370 करोड़ के आसपास का चला जाता है, जिसमें कि इस मूवी के हमारे इंडिया का जो 3 डेज का नेट कलेक्शन होता है वो लगभग 211 करोड़ 50 लाख से लेकर 213 करोड़ 50 लाख के आसपास का चला जाता है। जिस मामले में इस मूवी का बजट तो लगभग 600 करोड़ के आसपास का है और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट का टैग लेना है तो कम से कम इसे 700 करोड़ से लेकर 800 करोड़ के आसपास का तो कलेक्शन करना ही चाहिए, जो कलेक्शन मेरे हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही जल्द कलेक्ट कर भी लेगा, क्योंकि इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें हमें एक अच्छा खासा बैलेंस देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करता रहे तो ये मूवी 1000 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन के मामले में कलेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे ये मूवी सही में ये कलेक्शन कलेक्ट कर पाता है कि नहीं, ये तो हमें इस मूवी के आने वाले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए पता चली जाएगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने कल की 2898 AD मूवी को थिएटर में जाके देखा है कि नहीं, और अगर देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है ये आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।